हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल एस्पिरेंट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वेब शोज के बारे में जो कि आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी क्लास में हैं या अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कुछ कभी मन होता है ना कि अच्छा देखते हैं, तो वो चीज मैं रिकमेंड कर सकती हूँ जो कि मैंने खुद देखा है। एंड आपका उससे टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी हम कुछ मूवीज देखते हैं उसके ऐसा रिग्रेट होता है कि अरे ये क्यों देख लें, इतना टाइम वेस्ट हो गया हमारा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मूवीज कुछ मैंने बताई थी जो कि बहुत अच्छी हैं एंड बहुत रियल लाइफ रिलेटेड रहती हैं। उसमें बहुत ज्यादा कुछ हाइप नहीं दिखाता है कि नहीं ये रियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल अलग नहीं था, बिल्कुल जो चीजें हैं जो डेली बेसिस पे आप फेस करते हैं शायद इग्नोर कर देते हैं, उस मूवीज में उन चीजों को कवर किया गया। वैसे ही आज मैं आपको कुछ वेब शोज के बारे में बात करूंगी, वेब सीरीज नहीं, वेब शोज, जो कि अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है या एसएससी एस्पिरेंट है, तो मेनली जो मेजर हमारा सब्जेक्ट्स होता है जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो मतलब कि डेली बेसिस पे जो चीजें हैं उससे रिलेटेड जो वेब शोज हैं जो कि आप देख सकते हैं एंड आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड उस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं खुद को जो कि डेली लाइफ में होता है। तो पहला है जो कि आई थिंक सबने देखा होगा, जिस टाइम पे ये शो आया था ना उस टाइम पे बाकी चैनल्स की तो टीआरपी गिरी गई थी, जो सीरियल्स थे उस टाइम पे सिर्फ वही शो चलता था एंड हर एज ग्रुप का बच्चा से लेके और एक ओल्ड एज तक भी वो शो देखता था, एक साथ वो फैमिली शो था, दैट इज सत्यमेव जयते। एंड जो ये टाइटल है, जो एक ये स्लोगन है, ये अपने आप में ही बहुत मीनिंगफुल है। तो सत्यमेव जयते इसके 3 सीजन्स हैं एंड इसको होस्ट आमिर खान ने किया था। आई थिंक आपने देखा होगा, अगर देखा नहीं भी होगा तो सुना जरूर होगा। तो मैं ये कहूंगी कि आप इसको प्लीज देखिएगा एंड इसको ऐसे मत देखिएगा कि आप एक रात बैठे और निपटा दिए, नहीं, कभी भी टाइम मिले तो एक एक करके इसका एपिसोड देखिएगा एंड आप ट्रस्ट मी, आप एकदम इमोशनली कनेक्ट करेंगे खुद को अगर आपके अगल बगल वो चीज होती है, अगर आपके फैमिली में होती है, क्योंकि इसमें जो था वो इंटरेक्शन था जनरल पब्लिक से उनके डेली इशूज के बारे में, जो कि हम लोग जनरली अवॉइड कर देते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो ये वेब शो है सत्यमेव जयते, जो कि आपको YouTube पे फ्रीली अवेलेबल है, 3 सीजन है एंड आप उसको देख सकते हैं, प्लीज देखिएगा। एंड वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि मैंने पहले भी बताया था, आई थिंक सर ने भी सेपरेट वीडियो डाला था, प्रेप लैडर, ठीक है। इसमें स्पेशली अभी ज्योग्राफी की फ्री क्लासेस चल रही हैं हिमांशु शर्मा सर के थ्रू एंड आई थिंक बहुत लोग होंगे जो कि सर की क्लासेस पेड भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सर का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, सर पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं एंड आप उसको रिलेट कर पाते हैं। तो आप जब एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं, बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा CA99, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो जब आप ये कोड यूज करेंगे CA99 तो क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी एंड ये फ्रीली अभी अवेलेबल है सर की एंड आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ना, इसमें बहुत सिस्टमैटिक वे में दी हुई है चीजें, जैसे अगर आपको सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी कवर करना है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है कहीं से वो चीज समझ नहीं आ रही है, तो सिर्फ आप क्लाइमेटोलॉजी का वो पार्ट वहां से कवर कर सकते हैं। अगर मैपिंग का भी समझ नहीं आ रही है तो सिर्फ मैपिंग, इंडियन मैप, क्योंकि मैप जब तक आप ज्योग्राफी में नहीं समझेंगे तब तक आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन रिलेट ही नहीं कर पाएंगे एंड वो बर्डन बन जाता है। तो सर की क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारा कोड यूज करिए CA99 एंड आप अनलॉक करिए इस क्लासेस को। सर की क्लासेस तो ऑब्वियसली लोग पेड करके अगर देख रहे हैं और आपको फ्री में अवेलेबल है तो प्लीज यूटिलाइज इट, एंड फ्री है तो ऐसा नहीं कि खराब है, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। और इस पे और क्या आपको फ्री मिल जाता है, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं इस ऐप पे, डेली क्विजेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड आपके बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जब इंस्टॉल करेंगे, एनसीईआरटी की समरीज है तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, एक ऐप में इतना कुछ मिल रहा है। तो प्लीज जाइए एंड इसको देखिए, आप यूज करिए एंड आप अपनी ज्योग्राफी यहाँ से कवर करिए एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हिमांशु शर्मा सर की फ्री क्लासेस ज्योग्राफी की चल रही है, गो एंड ज्वाइन एंड आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छा बनाइए, ठीक है। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड अब हम वेब शो की जिसकी बात करेंगे उसका नाम है प्रधानमंत्री। एग्जैक्टली, थोड़ा ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया कुछ सालों में लोगों को, सिर्फ एक इसी टर्म की वजह से शायद। तो प्रधानमंत्री, ये एबीपी न्यूज पे ये शो आता था, बहुत पहले आता था,
बट इसमें मेन क्या था कि जो भी मेजर डिसीजंस लिए गए थे हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह तक, वो आपको इसमें कवर है। तो एक तरह से आपका एक सिलेबस का भी पोर्शन, जब आप कुछ पढ़ते हो ना और वो मूवी में जब बात आती है, वो टर्म आता है, तो बहुत रिलेटेबल लगता है कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, ये ऐसे होता है। तो इसमें बताया गया हर पीएम में के जो टेन्योर में जो भी मेजर डिसीजंस लिए गए थे। तो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री है एंड ये शेखर कपूर के द्वारा इसको होस्ट किया गया था एंड आप उसको देख सकते हैं एबीपी न्यूज पे, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे आई थिंक मोस्ट पॉपुलर जो हुआ था पंचायत, एंड इसमें एक डायलॉग जो गजब भेजती है यार, ये भी तो, ये तो मीम तो जरूर आपने देखा होगा अगर आपने ये नहीं देखा है तो शो, ये अमेजोन प्राइम पे फ्रीली भी बहुत जगह अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको पता है कि कहाँ से करना है। इसमें क्या है कि विलेज लाइफ जो होती है वहां पे आप कैसे लोगों की क्या लाइफ है, आज भी लोग कैसे अपनी डेली बेसिस पे काम करते हैं, कैसे जीते हैं, वो चीज दिखाई गई है कि अगर एक सोशल पार्टी है, कोई शादी है किसी गांव में, तो उसमें सारे लोगों का कैसे इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक घर में शादी है तो 10 लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, 10 घर के आज इनका है, तो वो चीजें दिखाई गई हैं एंड आप उसको देख के रिलेट कर सकते हैं। अगर आप कभी विजिट नहीं किए गांव अपने, नहीं जा पाए हैं, तो वो बहुत आपको अच्छा लगेगा देख के, तो आई थिंक देखी भी होगी आपने। फिर उसके बाद आता है एक शो है संविधान, जो कि संसद टीवी पे आता है एंड नैरेटेड बाय ये स्वरा भास्कर जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने किया था। इसमें कैसे संविधान बना था, संविधान आप एक टर्म सुनते हैं एंड आप आई थिंक उसका जो मेन है, अगर आप पूरा तो नहीं कभी कोई पढ़ पाता है, बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, बट एक प्रियम्बल जो रहता है वो हर एक बच्चे के बुक के आगे भी रहता है, चाहे वो वन क्लास का हो, चाहे वो कोई भी बुक पढ़ रहा हो स्टैंडर्ड बुक्स, तो वो डेली लाइफ में भी हमारे यूज होता है एंड आई थिंक उस चीज को हमें समझना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, तो संविधान आप इसको जाके देख सकते हैं, ये भी YouTube पे फ्री अवेलेबल है, YouTube ने तो काफी चीजें बहुत आसान कर दी हैं एंड ऑनलाइन अगर इतनी चीजें, अच्छी चीजें अवेलेबल हैं जो कि जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए, तो आप जाके देखिए। एंड बाकी और भी चैनल्स है, जैसे BBC है, इस पे आप ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं कि क्या है। जो बच्चे 12th में है मैं कहूंगी, या फिर 10th में है, जो भी हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जो लोअर क्लास में, वो भी देखते हैं, तो आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, ये देखिए, आपको खुद से अच्छा फील होगा एंड आप अच्छी चीजें देखोगे ना तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी भी वैसी ही आती है, जो आप देखते हो वैसी ही चीजें आपके अंदर, आपके दिमाग में वो चीज चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती है, तो आप ये चीजें देखिए। एंड मैं तीन तो रिकमेंड करूंगी, सत्यमेव जयते, संविधान एंड प्रधानमंत्री, ये तीन आप जरूर देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिविल एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच। तीन शो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखिएगा, जो कि सत्यमेव जयते, आमिर खान इसको होस्ट करते थे, प्रधानमंत्री एबीपी न्यूज पे है एंड ये यूट्यूब पे तीनों अवेलेबल होंगे एंड तीसरा है संविधान। ठीक है, आप प्लीज इसको देखिएगा एंड एक दिन में इसको मत ऐसा होइएगा कि एक दिन में देख के निपटा देते, नहीं, एक एक एपिसोड करके देखिएगा एंड तब आप रिलेट करिएगा कि हाँ अच्छा था या नहीं था एंड आप कमेंट करके बताइएगा। So, I hope ये आपको वीडियो यूजफुल लगेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर watching दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिविल एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच।